हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 29th ऑफ दिसंबर और 30th ऑफ दिसंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम आपके लिए डेली एक करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोज़ को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बैंकिंग, SSC और रेलवे एग्जाम से भी रिलेटेड वीडियोस लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। जैसे आपको पता है, अभी आपका 31st ऑफ दिसंबर यानी कल से ही जो SBI POP का पेपर स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए भी देखिए हमने पूरी एक सीरीज लेके आए हैं लास्ट 10 डेज वीडियोस की, जो कि आप देख सकते हैं। उसमें से काफी सारी वीडियोज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अब SSC CGL की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, तो उससे भी जितने भी उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं यानी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के, आपको वीडियोज यहाँ पर लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट डाउन भी करते चलना। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू कन्फर डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 टुडे। तो आज जो है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ये अवार्ड्स देंगे, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। आपको पता है आजकल जितने भी इवेंट्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, और इसमें जो एट प्रेजेंट यूनियन IT मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, वो भी प्रेजेंट रहेंगे इस ओकेजन में। और ये देखिए, बेसिकली पांच ऑफिशियल्स जो बिहार के हैं उन्हें ये अवार्ड मिला है इस बार का, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। बेसिकली जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे, खासकर जब COVID-19 का लॉकडाउन था बिहार स्टेट के अंदर, जो है इन्होंने एक तो जो सिटीजन्स है जो बाहर, खासकर माइग्रेंट लेबर्स जो बाहर फंसे हुए थे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, उनको घर वापस लाने का और साथ ही साथ असिस्टेंस प्रोवाइड करने का, इंक्लूडिंग ट्रांसफरिंग मनी टू द बेनिफिशियरीज अकाउंट्स। तो बिहार के 5 ऑफिशियल्स को ये अवार्ड मिलेगा इस बार का 2020 का, ठीक है? तो आप नोट डाउन कर लें। और ये अवार्ड्स बेसिकली नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये बाइनियल ये अवार्ड्स देते हैं, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, बेसिकली टू प्रमोट इनोवेशन इन ई गवर्नेंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म। तो किस तरीके से हम ई गवर्नेंस यानी जो है आपको इंटरनेट के थ्रू फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, ठीक है? क्योंकि डिजिटल इंडिया आपको पता है जो मिशन भी कुछ टाइम पहले लॉन्च किया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज आपको घर बैठे अवेलेबल हो, इसके लिए जो है ये डिजिटल इंडिया को लॉन्च भी किया गया था। और अभी इसके अवार्ड जो है ये दिए जाते हैं, तो 2020 में ये बिहार स्टेट के 5 ऑफिशियल्स को ये दिया जाएगा, ठीक है? तो इसे आप नोट डाउन कर लें। तो ये आज 11 बजे से ये इवेंट स्टार्ट होगा, और मैंने कहा होता है वर्चुअली होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो कल PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था न्यू भावपुर न्यू खुर्जा स्ट्रेच का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है? इसे आप नोट डाउन कर लें। एक तो भावपुर और खुर्जा के बीच में जो है ये डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, खासकर जो फ्राइट सर्विसेज के लिए, यानी जो आपने मालगाड़ियाँ देखी होंगी, अभी तक क्या होता था ट्रैक सेम होते थे और उसी पे ही मालगाड़ियाँ भी चलती थी और बाकी जो पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन चलती थी, तो उसकी वजह से कई बार जो है ट्रेन डिले होती थी। तो ये काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट का ये मतलब एक इनिशिएटिव रहा है, मतलब एक डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाए, खासकर खासकर इन जो फ्राइट सर्विसेज होती है इनके लिए। तो इसी वजह जो है PM मोदी ने कल वर्चुअली इनाग्रेट किया है न्यू खुर्जा न्यू भावपुर के बीच में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर EDFC। और इस इवेंट के अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर भी जो है प्रयागराज में उसका भी इनॉग्रेशन किया, जिसमें खुद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी इस इवेंट में प्रेजेंट थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो एट प्रेजेंट गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि एक टाइम गुजरात की चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है, और यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो कि रेलवे मिनिस्टर है, ये सभी इस इनॉग्रेशन फंक्शन के दौरान प्रेजेंट थे। और ये 351 किलोमीटर का स्ट्रेच है, सेक्शन है, जिसे बिल्ड किया गया एट कॉस्ट ऑफ 5,750 करोड़, जो बेसिकली देखिए एक तो लोकल इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी एक अच्छा, एक कह सकते हैं उनको इससे काफ़ी फायदा होगा। क्योंकि अब देखिए, मैंने पता है अभी तक क्या होता था कि जो रेलवे लाइंस होती थी उस पर सारी तरीके की ट्रेन चलती थी, एक्सप्रेस, पैसेंजर और ये जो फ्राइट सर्विसेज के लिए। तो अब के डेडिकेटेड कॉरिडोर्स होंगे तो क्या है, अब ये भी इनमें भी डिले नहीं आएगा। क्योंकि ऑब्वियस ये बात है कि सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है, जो सबसे जैसे शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन हो गई, फिर पैसेंजर ट्रेन, और उसके बाद ये आखिरी में जो ये माल ढोने वाली मालगाड़ियाँ होती थी, तो इसकी वजह से इसको काफ़ी डिले हो जाता था अपने टाइम पे पहुँचने पर। और इसीलिए जो है एक रेलवे स्टार्टिंग से इसमें कोशिश कर रहा है कि डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बनाए जाए, ताकि सामान के आने जाने में कोई इसकी वजह से डिले ना हो। तो इसी में जो है 351 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है ये बनाया गया है, जो कि सिर्फ डेडिकेटेड किसके लिए है, ये मालगाड़ियों के सामान को लाने ले जाने के लिए, ठीक है? तो कल इसका PM मोदी ने इनॉग्रेशन किया था वर्चुअली, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं।
आगे अगर बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। इसे प्रिपेयर किसने किया है? टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल यानी टिफैक ने, TIFAC, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर ही इन्होंने इन्होंने भी वर्चुअली ही इसे इस रिपोर्ट को रिलीज किया, ठीक है। और इस ओकेजन पर उन्होंने उन्होंने कहा दैट द आइडियाज कंटेन्ड इन द रिपोर्ट, जो इस आइडियाज जो इसके अंदर मेंशन है, जो सजेशन दिए गए हैं, वो आगे किस तरीके से लेके जाए, उसे उन्हें लेके जाया जाए, उस पर उन्होंने बात कही, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है, और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो ये बनाई गई है एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत, ये बेसिकली काफ़ी टाइम का ये फॉलो अप इन्होंने किया था, जो ये टिफैक है बेसिकली, ये इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग और असेसमेंट काउंसिल, उन्होंने जो वाइट पेपर है श्वेत पत्र उस पर, और उसमें बेसिकली ये था कि जो मेक इन इंडिया है, खासकर पोस्ट कोविड टाइम पीरियड में, ये आपने देखा होगा आजकल ज़्यादातर फोकस अब इसी पे है कि एक बार जब ये इशू रिजोल्व हो जाता है, खासकर वैक्सीनेशन का, जो कि वैसे अपने आप में देखे बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन फिर भी उसके बाद किस तरीके से दोबारा से ग्रोथ सभी, आपको ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज से अफेक्टेड हुई है, भारत की भी ओवरऑल आप देखेंगे ग्रोथ रेट नेगेटिव ही रहेगी इस बार, तो उसको लेके आगे का एजेंडा क्या होगा, खासकर हम सेल्फ रिलायंस कैसे हो, सेल्फ रिलायंट यानी हमें बाहर की कंट्रीज पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना होना पड़े, इसको लेके पूरा रोड मैप इसमें दिया गया है, और हर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इसको आगे जो है आगे लेके जाया जाए, और जो भी इसमें सजेशंस दिए गए हैं उनको एडॉप्ट किया जाए, ठीक है। तो एक तो आप नोट डाउन कर लें इस एजेंसी का नाम TIFAC का, ठीक है। तो इन्होंने ये वाइट पेपर रिलीज किया था, ठीक है, और इस रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें, मतलब आगे का फ्यूचर एक्शन ऑफ प्लान इसमें सारा मेंशन है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसे रिलीज करते हुए विजुअल्स डॉक्टर हर्षवर्धन के। आगे अगर बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो आपको पता है काफ़ी फेमस फुटबॉल प्लेयर है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं, तो उन्हें मिला है प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड एट ग्लोब सॉकर अवार्ड्स, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी को उनको दिया गया है, जो ग्लोब सॉकर अवार्ड्स दिए गए थे उसमें, ठीक है। इसके अलावा इस अवार्ड की अगर और कंटेंडर्स की बात करें, तो आपने इनका भी नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, बार्सिलोना जो ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइनल मेसी, ठीक है। लिवरपूल के मोहम्मद साले और फॉर्मर प्लेयर रोनाल्डिनो, वो भी इस रेस के अंदर थे इस अवार्ड के लिए, बट ये अवार्ड किसको मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ठीक है, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का। जैसे देखिए इंडिया में आपने देखा, तो देखिए जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी अपनी, जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई श्रीलंका टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा जैसे इंडिया में IPL होता है, ठीक है ना, तो IPL में हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंचाइजीज होती है, वैसे ही इस यहाँ फुटबॉल में भी है। एक तो ये सारे प्लेयर्स अपने कंट्रीज के लिए तो खेलते ही हैं, जब फीफा का वर्ल्ड कप होता है, जैसे लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्तुगीज के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे ये भी, जैसे बार्सोलिना हो गया, जुवेंटस हो गया, लिवरपूल हो गया, ये भी अलग अलग जो है फ्रेंचाइजीज है एक तरीके से, और इन्हें ये अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा बैरन म्यूनिच रॉबर्ट लिवेंडोक्सी को भी जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर का मिला है, और प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। इसके अलावा मैनचेस्टर जो ग्रुप है उसके सिटी मैनेजर पेप गार्डियोला को मिला है कोच ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड, और स्पेनिश जायंट रियल मैड्रिड जो है, सारे के सारे क्लब्स हैं, मैं आपको बता रहा था, जैसे IPL के अंदर राजस्थान रॉयल्स है, चेन्नई सुपर किंग्स है, वैसे ये सारे इसमें क्लब्स होते हैं, ठीक है, जैसे जुवेंटस है, बार्सोलिना है, लिवरपूल है, रियल मैड्रिड है, ठीक है, तो ये सारे क्लब्स होते हैं, तो और जो स्पेनिश जाइंट रियल मैड्रिड को मिला है क्लब ऑफ द सेंचुरी अवार्ड ड्यूरिंग द इवेंट, बट मीन आप इनका नाम नोट डाउन कर ले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, जिन्हें प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर बैंकिंग एग्जाम्स में आ सकता है, आप उसके विजुअल्स देख सकते हैं जब ये अवार्ड रिसीव कर रहे थे उसके। और आखिरी में जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है जो बैन लगाया हुआ था ओनियन के एक्सपोर्ट पे, उसे हटा दिया है 1 जनवरी से, क्योंकि बीच में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बैन को लगाया गया था, लेकिन अब 1 जनवरी से इसको लिफ्ट कर दिया गया है। इसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने नोटिफिकेशन रिलीज करके दी है, इन्फॉर्मेशन ये कि एक्सपोर्ट ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ ओनियन विल नाउ बी अलाउड, और सितंबर के अंदर इसको इसके एक्सपोर्ट को रोका गया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ गए थे, ठीक है। और अगर बात करें कि DGFT जो ये बॉडी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये एक ऐसी एजेंसी पर्टिकुलरली बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिसका मेन काम यही है कि तो लॉज को एडमिनिस्टर करते हैं और रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, तो बेसिकली इनका काम रेगुलेटरी बॉडी की तरह है ये DGFT, जो कि फॉरेन ट्रेड को एडमिनिस्टर करते हैं। तो उन्होंने पहले इस पर रोक लगाई थी और 1 जनवरी से अभी ने अलाउ कर दिया गया है, तो सभी तरीके के ओनियंस की अब एक्सपोर्ट हो पाएगी। तो
यानी आज 30th है तो परसों से ही क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स। एक बार पीछे चलते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, रिवाइज कर रहे थे जो पहले हमने करंट अफेयर्स को पढ़ा था। ये मैंने आपको बताया प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किन्हें मिला है, ठीक है, कोच ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, आप इन सब का नाम नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो रिपोर्ट रिलीज करी है एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत उसकी, ठीक है, जिसे टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ने प्रिपेयर किया है। तो इसके बारे में आप जाता है तो गूगल करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया जो डेडिकेटेड ईस्टर्न फ्राइड डेडिकेटेड कॉरिडोर जिसका इनाग्यूरेशन कल पीएम मोदी ने किया है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, ये तो भी 351 किलोमीटर का ही स्ट्रेच है, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा और अभी इस पर काम चल रहा है और इसे अभी इसकी लेंथ को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी ये मेनली दिल्ली से कानपुर के बीच का जो है ये एरिया कवर करेगा, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, काफ़ी इस पर रश रहता था, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है ना, ज़्यादा जल्दी जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। और आखिरी मैंने आपको बताया था डिजिटल इंडिया अवार्ड्स जो आज प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद देंगे, ठीक है, और खासकर 5 ऑफिशियल्स बिहार के उन्हें सेलेक्ट किया गया इस बार के डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिए, खासकर जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए लॉकडाउन के टाइम पे, ठीक है, खासकर माइग्रेंट लेबर्स की हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, उनको वापस स्टेट में लाने के लिए, उनके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट बेनिफिशरीज को प्रोवाइड करने में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो उन्हें इस बार का ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आपको कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपका फर्दर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछें। और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है takshilalearning.com। अगर आप बैंकिंग, SSC, रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 6 मंथ्स, 1 ईयर के कोर्स पैकेज मिल जाएंगे, तो आप अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो सारी मिलेंगे, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी हैं, ई बुक्स भी है, लाइव क्लासेस भी रहेंगी डेली बेसिस पर, ठीक है। आपका वन टू वन व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा फैकल्टीज के साथ, ताकि आप अपनी क्वेरीज को इंस्टेंटली रिजोल्व कर पाएँ। तो काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं न्यू ईयर के, तो आप आज ही परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आज की इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट।